मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत घर घर जाकर सर्दी जुकाम होने वाले पेशेंट्स की जांच की जा रही है। वहीं इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश रतलाम जिले के आलोट में ताल थाना अंतर्गत माधोपुर गांव में 23 साल की गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 2 स्वास्थ्य कर्मियों के साथ महिला को होम क्वारंटीन किया। मिली जानकारी के अनुसार रतलाम जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माधवपुर गांव में 23 साल की महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। किल कोरोना अभियान में महिला के कोरोना पॉजिटिव आने की जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस प्रशासन के साथ माधवपुर गांव पहुंची। डॉक्टर पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। महिला और उसके संपर्क में आए परिवार के साथ 2 स्वास्थ्य कर्मियों को भी होम क्वारंटीन किया गया है। जो अभी किल कोरोना अभियान चल रहा है, उसमें हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे में कुछ गर्भवती महिलाओं की जांच और कुछ जो सर्दी खांसी बुखार के जांच के लिए सैंपल भेजे जाते हैं। तो इन्होंने सार्थक के माध्यम से एंट्री हुई थी, तो ये जांच कराने वहाँ गए थे शासकीय अस्पताल में। तो 10 तारीख को इनका सैंपल लिया गया था और इनकी आज सुबह रिपोर्ट आई है, जिसमें रेशम कुमार का पॉजिटिव होना पाया गया था। उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं, उनके जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट में उनके सैंपल लिए हैं, अभी 8 सैंपल लिए हैं और जैसे जैसे जानकारी मिलेगी और सैंपल लेंगे इनके। जेएसआर टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति बर्रा की रिपोर्ट।